जावेद मुझे चाहिए, हमारे सामने चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए, हमारे बच्चे काटे तड़पा तड़पा के मारे भगा भगा के, वैसे मुझे चाहिए, मुझे वो भी मुझे नहीं, हमारे बच्चे हमने पैदा किया, हमसे पूछो वही तो पूछना है, आखिर इसने क्यों किया, क्यों किया आखिर, क्यों किसी ने पैसे दे के करवाए, क्या किया उसने, क्यों हमारे बच्चों का मर्डर किया, मुझे क्या बताए, बहरे पैसे लेके मेरे बच्चे मार देगा, अरे मुझसे और ले लेता, मेरे बच्चे तो छोड़ देता, दोनों एक आया एक उधर था, हाँ दोनों से, पर एक अंदर आया एक वहाँ खड़ा इंतजार कर रहा, जावेद मुझे चाहिए, हमारे सामने चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए, और फिर उसकी हत्या भी हमारे सामने होनी चाहिए, जब तक उसे सामने नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ नहीं, हमारे बच्चे काटे तड़पा तड़पा के मारे भगा भगा के, वैसे मुझे चाहिए, मुझे वो भी मुझे नहीं, हमारे बच्चे हमने पैदा किया, हमसे पूछो, हमने बड़े ऑपरेशन से 3 बच्चे किए, हमारा पेट दर्द कर, मैं दर्द भूल गई बच्चों के पीछे, हमारे 3 ऑपरेशन से हमारा एक ही रह गया, हमारे ससुर से हुआ सब हमारे बड़े ऑपरेशन से वह इतना पेट फटा हुआ है हमारा, जन्म लेती है बच्चों देती है, क्या क्या हुआ, कितने बजे वो आए और फिर आने के बाद 6 बजे वो 6:30 बजे आया और आके यहाँ पर बैठ रुका होगा, मुश्किल से आयु से लिए क्लेचर वगैरह, तुरंत वो चला गया लेके उसे वहाँ, आपसे बोला, मुझसे कुछ नहीं बोला, वो मुझसे बस इतना ही बोला पैसे मांगे बस, और कुछ नहीं बोला उसने, और उसने ये मुझसे कुछ नहीं कहा, मैं किचन का काम संभाल रही थी, हमने त्योहार का टाइम है, दुकान में आ जाते कस्टमर, मुझे काफी टाइम लग जाता क्योंकि मेरे पार्लर की भी दुकान है, तो हमारे कस्टमर आ जाते हैं तो हमें उसमें काम करना पड़ता है, थ्रेडिंग वगैरह टाइम लगता है, अप्रूव वगैरह हर किसी का सब काम होता है, बाल कटिंग है, तो FIR में लिखा है कि उसने कहा कि उसका मन घबरा रहा है इसलिए वो छत पे जा रहा है, तो किससे उसने ये बात कही थी, उसने मन घबरा जे बोला मुझे, चेन्नई में जी देखो मेरे बच्चे मेरे हॉस्पिटल में है, मैं तो वो चला गया, बोला मुझे यहाँ बात नहीं, मुझे ऊपर कर ले जाके बात, बस इतना कहकर ही चला गया, गया और आके बस इतनी देर में उसने हमारे बच्चे काट दिए, एक तो हमारा ऊपर गाड़ी चला रहा था छोटा वाला, उसे को भी बेदर्दी से मारा उसने, कम से कम तोड़ा तो रहम करता हमारे बच्चों पर, वो ऊपर चला रहा था लॉबी में ऊपर दूसरे वाले मकान पे बैटरी वाली गाड़ी है, वो उसे आई उसको देख के वो भी पीछे चला गया, कहाँ गाड़ी चला रहा था, पहली मंजिल पे, हाँ जी पहली मंजिल पे लॉबी में, लॉबी में है हमारी गाड़ी, इसी में चला रहा था, उसने देखा कि भाई जा रहा है तो वो भी पीछे चला गया, पानी चाय का जो चल रहा है, पानी उससे मांगा होगा तो वो लेके पीने आया, तो बोला जावेद भैया को पानी ले जाए, मम्मी कोई बात नहीं परेशान है, कोई भी आप ही मांगो तो आपको पानी नहीं देंगे क्या, हर किसी को हमारी दुकान में इतने सामान लेने आते कस्टमर कहते हैं दीदी पानी नहीं है, मैं चलो ले लो पानी अंदर से मंगवा के पिला देते हैं, पानी से पतली चीज क्या है, आदमी प्याव लगाता है जेठ बैसाख में, कभी आपके परिवार में किसी से भी कोई बातचीत, कभी नहीं हमारी कभी, वही तो मुझे पूछना है उसे आखिर क्यों कहा है, पहली बार घर आया आखिर उसने क्यों किया, किसी ने करवाया है क्या है, कौन हमारे घर से चल रहा है, मुझे बस इंसाफ चाहिए, उनसे पूछताछ चाहिए, वो भी मीडिया से हमारी बस यही है कि हमारे सामने की जाए पूछताछ, जब तक आप यहाँ इतने सालों से रह रही हैं कभी कोई बातचीत नहीं हुआ, अचानक नहीं घर आ गया, 3 साल हुए मैं इस घर में रहते, अभी हमारे घर पे यहाँ सारे लोग रह रहे हैं, किसी से पूछ लो, जो दीदी हमारी पड़ोसी है अभी जो बात जल्दी आई है, पूछ लो किसी से, जो सब लोग हैं हर किसी से पूछो, कल मैंने आपके बेटे से बात कहा कि बाल कटिंग नहीं करवाता, बाल कटिंग बस इतनी जान पहचान थी, बाल कटिंग करवाता, जैसे अगर उसके मन में कुछ ऐसा पहले से ही होता तो जब उस टाइम भी अच्छा मौका होता कर सकता था आके इस तरीके से, वही तो पूछना है आखिर इसने क्यों किया, क्यों किया आखिर, क्यों किसी ने पैसे दे के करवाए, क्या किया उसने, क्यों हमारे बच्चों का मर्डर किया,
पैसे आपसे कल ले चुका था? वो ले चुका था हमसे। अरे मैंने हस्बैंड से पूछ के दिए कॉल, पहले बात की मैंने इनसे, इन्होंने बात की के तो बोले कोई बात नहीं, परेशान है दे देगा, पास में है, हर किसी की मदद हो जाती है, हमारे जी हर किसी की मदद कर देते हैं, दे दिए थे मैंने। मुझे क्या बताया पहले पैसे लेके मेरे बच्चे मार देगा, अरे मुझसे और ले लेता, मेरे बच्चे तो छोड़ देता, मुझसे और ले लेता जितनी जरूरत थी। कितने पैसे उसने मांगे थे? सिर्फ 5,000। 5,000 मांगे बस और कुछ नहीं। और आपने पूरे पैसे ले? मैंने 5,000 दे दिए, मेरी दुकान के रखे थे, हमने उठा के उसे दे दिए, चल ले जा। उसने एक बहाना भी झूठा बनाया था। हाँ मेरी बीबी प्रेग्नेंट है, वो में भर्ती है महिला अस्पताल। बातचीत होती रही हो पहले? मतलब नहीं, कभी नहीं हुई। अरे बस यही है, अपने दाढ़ी बाल बनवा के आते थे, पास में नाई की दुकान थी, यही था। कभी मतलब याद आता है कि 2 साल जब से भी आप यहाँ हैं, कभी कोई हल्की फुल्की कहा सुनी? कभी नहीं किसी, कभी नहीं भैया, कभी नहीं। ऐसा क्या हमारे किसी से ही नहीं हुई है, हम कभी किसी से, हम क्या करेंगे क्या कि हमारे किसी से, उससे तो कभी कोई वो हमारे बच्चे से भैया कहते थे, बाल अपने आप जाते थे कटाते, भैया बाल काट दो, अपनी मर्जी के बाल भी कटवा के आते थे, बच्चे पैसे दे के आते थे, जय भी नाम, कभी नाई के पैसे नहीं रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं एक आया था एक बार, वो गाड़ी पर इंतजार कर रहा था, उसने उस दिन क्यों दुकान जल्दी, कभी दुकान नहीं बढ़ाता जल्दी, कहीं जाता है इमरजेंसी में तो बेशक वैसे दुकान उसकी कभी नहीं बंद होती है। जावेद अंदर नहीं आया? नहीं। साजिद के पास आया? नहीं, दोनों थे। आया दोनों, एक आया एक उधर था। हाँ दोनों थे, पर एक अंदर आया एक वहाँ खड़ा इंतजार कर रहा थे। दोनों हथियार में चाकू था, दोनों थे। इतना बड़ा था, इतना बिल्कुल चमक रहा था सब। हाँ बाद में देखा, खून से लथपथ देखा है बिल्कुल, खून से। आप सब लोग कैसे, मतलब उस घर, आपके घर में और दादी के घर में? हाँ आप सब लोग भाग गए? हम इनको लेके भाग गए, वो हम लोगों पे जब दौड़ा तब तक, जब हमने लोगों ने आवाज लगाई और लोग आ गए हैं तब तक वो भाग गया दूसरा, और उसे मैंने बंद कर दिया अंदर। फिर यहाँ पे वो, यहाँ पे किसने उसको पकड़ा? पुलिस आ गई थी? आप पुलिस बुलाई? मैंने गेट ही बंद कर दिया था उसे, भीतर अंदर ही यहाँ बंद कर दिया था, बाहर का गेट लगा दिया था और दुकान का लगा दिया था। जब बच्चा भाग के आया तो अपना काम कर रही थी, बच्चा जब भाग के आया तब ये यहाँ तक खड़ी, तब वो इनको भी करा था, तुझे भी करूँ, तब ये लोग भागे हैं, तब इन्होंने देखा है ना, वो तो अपना काम कर रही थी ना। उसको लेके गई थी अपने पास, अपने साथ यहाँ? हाँ लेके गई थी। दूसरा उसी टाइम भाग गया था जावेद? हाँ चाकू से देखा जाता, पब्लिक देखी गई है, चाकू से भागा। अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि क्या आवाज आ रही होगी कुछ भी, अभी तक आप लोग बैठते होंगे सोचते होंगे कभी कुछ हुआ हो, बात कभी हुआ ही नहीं, क्या बताऊँ ये किसी को, हम उसी से पूछा जाए। हाँ